हेलो राम वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स ऑफ अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फ्राइडे का दिन इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और दोस्तों कल के दिन जहां मार्केट में ग्रीनरी थी हरियाली थी आज के दिन हमको गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 109 पॉइंट्स डाउन इसके अलावा एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो डीप कट्स दिखाई पड़ रहे हैं निकाय इज टू एंड हाफ इज एटी सिक्स पॉइंट डाउन डाउ जोन भी नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है बट आई वॉन्ट इट अटेंशन टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स एट विच गिंग विच इजेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी एट जो कि कल की क्लोजिंग अगर आप कल की क्लोजिंग को देखें तो निफ्टी फिफ्टी क्लोज है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी तो ऑलमोस्ट उसी के लेवल पर ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सो so, जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सहमे हुए हैं कि बहुत बड़ी गिरावट आज के दिन आने वाली है ऐसा कुछ नहीं है तो दोस्तों मार्केट एक फ्लैट नोट पर ओपन होगी जैसा कि हमेशा होती रही है जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है उन स्टॉक्स में मोमेंटम कॉन्टिन्यू रहेगा और अल्टीमेटली ऑप्शन राइटर्स विल कीप मेकिंग मनी ऑप्शन बायर्स विल कीप मेकिंग मनी कैश ट्रेडर्स विल मेक मनी प्रोवाइडेड यू नो द राइट स्ट्रेटजी ऑफ एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रेड बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक कल के दिन एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुए थे निफ्टी बैंक क्लोज अब 48,000 निफ्टी 50 क्लोज अबव 22,500 जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कही जाएगी आज के दिन क्या होगा दोस्तों उसको तो ऑफकोर्स लाइव प्राइस एक्शन देख करके ही ट्रेड करना होगा बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो एक पॉजिटिव नोट पे मार्केट कल के दिन क्लोज हुआ था एंड वे कि पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुआ था आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पॉजिटिव नोट आगे भी कॉन्टिन्यू रहेगा दैट इज़ प्रिसाइजली वॉट आई एम ऑन आई एम convinced, डेट दोस्तों बात करें हम लोग पॉजिटिव स्टॉक्स uh, के बारे में तो इपका लैब वॉज अ फोर परसेंट बंधन बैंक वॉज अफ फोर परसेंट वेदांता वॉज अफ क्लोज टू फोर परसेंटेंटेंटेंटेंट एंड यू पी एल में भी अच्छी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों कल के दिन हम लोगों ने शाम को कुछ स्टॉक्स स्टडी किए थे जिसमें कि दो स्टॉक्स थे बंधन बैंक और यू पी एल और इन दोनों के दोनों चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव और स्ट्रॉग दिखाई पड़ रहे थे वन मोर स्टॉक विच वी स्टडीड वॉज एच डी एफ सी बैंक विच वॉज लुकिंग प्रटी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट्स कल के टॉप लूजर्स के बारे में बात रहे हैं डाबर इंडिया वॉज डाउन फाइव परसेंट दोस्तों तीन चार साल हो गए हैं डाबर इंडिया पाँच सौ रुपये के प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है ना ऊपर जाता है ना नीचे गिरता है बस वही पाँच सौ क्योंकि कंपनी की सेल्स कंपनी के प्रॉफिट बिल्कुल स्टेगनेंट हो गए हैं कोलगेट के बारे में बात रहे हैं तीन परसेंट की गिरावट कोलगेट में आई आए ऐसे लॉमबार्ड वॉज डाउन थ्री परसेंट इंडिया मार्ट वॉज ऑल्सो क्लोज टू तो थ्री परसेंट डाउन लेकिन कमोडिटी पैक में आग लगी हुई है दोस्तों क्रूड के बारे में बात रहे हैं कि तो क्रूड डॉलर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो डॉलर नाइन्टी पर बैरल को क्रॉस कर चुका है समय डॉलर नाइन्टी के आसपास ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस में भी तेजी है गोल्ड और सिल्वर में तो आग लगी हुई है जिसका अंदर आग लगी हुई है आपको मालूम ही है गोल्ड इज अबव सेवेंटी एंड सिल्वर इज़ अबव एटी दोस्तों जिस प्रकार का मोमेंटम है ऐसा लग रहा है कि सिल्वर और गोल्ड में मोमेंटम आगे भी कॉन्टिन्यू रहेगा अभी दोस्तों सेवेंटी के आसपास कॉन्सोल्टेसन चल रहा है इस टूडेज थर्ड डे जब सेवेंटी के आसपास कॉन्सोलोटेशन होगा जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें फिर से दिखाई पड़ना शुरू होगी गिरना होगा प्रॉफिट बुकिंग आनी होगी एक दो दिनों में आ जाएगी अगर नहीं आती है कंसोलिडेट करता है, तो दोस्तों गोल्ड विल बिकम सेवेंटी थाउजेंड पर टेन ग्राम्स वेदर प्राइस कॉन्सोलिडेट्स मार्केट एक्सेप्ट कि यही वैल्यूएशन है यही वैल्यू है इस चीज़ की कॉन्सोलिडेशन का मतलब ये होता है वरना अगर मार्केट को एक्सेप्ट नहीं करना होगा तो मार्केट उससे प्रॉफिट बुक कर लेगी प्राइस नीचे गिर जाएगा चाहे वो कोई भी एसेट हो लेकिन अगर वो प्राइस वहाँ पर स्टेग्नेंट हो रहा है दैट मीन्स मार्केट उस प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है फिलहाल तो बात करें हम लोग करेंसी uh, सेक्शन की सो यू एस डॉलर इस ट्रेडिंग सम हाउ फ्लैट इसके अलावा इंडियन रुपये में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है माइल्स स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड माइल्स स्ट्रेंथ अगेंस्ट ग्रेट एन and mild weakness against Europe. तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे तो जो, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल के दिन मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल 22,500 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी आई विल नॉट से कि बहुत स्ट्रॉन्ंग क्लोजिंग है बट हाँ एक पॉजिटिव क्लोजिंग है पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दी है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो एक पॉजिटिव मॉटम कॉन्टिन्यू रहेगा उसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो so, दोस्तों माई एक्सपेक्टेशन फॉर द मार्केट इज स्टिल पॉजिटिव और दोस्तों ट्वेंटी के लेवल क्रूशल हैं जिसके ब्रेकआउट करने के बाद दो पॉइंट मिल सकते है। के पेनायन 22600 लेवल्स ऑन द कंट्री नीचे के लेवल पे 22350 इज एन इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल तो दोस्तों मार्केट में क्या है अपने आईज ईयर ओपन रखने हैं। ऐसा नहीं हो जाना है कि बिल्कुल एक तरफ एक ही तरफ बायस हो गए अगर नीचे के लेवल पे दोस्तों मार्केट जाती है तो हमें तो पैसा बनाना है वी आर ट्रेडर तो दोस्तों यहाँ पर अगर ट्वेंटी टू थ्री फिफ्टी के लेवल्स ब्रिज करते हैं तो हंड्रेड पॉइंट्स की गिरावट आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए बात करते हैं निफ्टी बैंक की कल के दिन तेजी थी फोर हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट्स की मैसिव क्लोजिंग हुई फोर्टी एट थाउजेंड के ऊपर अब दोस्तों कल के दिन मार्केट बिल्कुल फोर्टी एट थाउजेंड के आसपास ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा था अल्टीमेटली क्लोजिंग फोर्टी एट थाउजेंड के ऊपर होना एक पॉजिटिव क्लोजिंग है नजर रखिए फोर्टी एट टू हंड्रेड पर ब्रिज करते ही डेढ़ सौ पॉइंट ऑन दी काउंटर नीचे के लेवल दोस्तों फोटी सेवन एट हंड इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रिज करते ही डेढ़ सौ पॉइंट सो दीज आर द शुड बी फोकस एंड आइंग एट बट जिस प्रकार की मार्केट ओपनिंग हो रही ऐसा लग रहा है कि आज के दिन भी फ्लैट ही कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ेगा मार्केट में तेजी थी लेकिन एक डाटा जो कि कल मुझे सरप्राइज कर रहा था वो एफ आई एस के द्वारा की जाने वाली सेलिंग एफ आई एस की सेलिंग के साथ साथ डी आई एस की भी सेलिंग थी कल के दिन ऑलमोस्ट नाइन हंड्रेड्रेड्रेड्रेड करोड की तो एफ आई एस और डी एस दोनों ने मिलकर सेलिंग करी थी ऑलमोस्ट दो हज़ार करोड़ की कल के दिन जबकि कल के दिन मार्केट वॉज पॉजिटिव लेकिन एनी वे तो दोस्तों ये सारे डेटा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं द तो बैक ऑफ ए माइंड होना चाहिए वेन एवर यू एंटर टू द मार्केट लेकिन अल्टीमेटली आपका जो ट्रेड है वो डिपेंड करना चाहिए किस एसेट में आप ट्रेड कर रहे हैं अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर एफ आई आई डी आई एलिंग जाए कॉर्नर में फर्क पड़ता है कि एफ आई एस और डी आई एस क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है कि बैंक निफ्टी उस समय कैसा परफॉर्म कर रहा है अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना है नहीं है आपको लेना देना है सिर्फ जी का स्टॉक अपने चार्ट पे कैसा कर रहा है आई एम जस्ट सेलिंग एन एग्जाम्पल स्टॉक्स इन बैन के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर सेल और जील बैन uh, में चले गए हैं तीन स्टॉक हैं जिसमें कि ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई ऑप्शन राइटिंग तीन स्टॉ दोस्तों तीन तरह की कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स हैं जिनमें की सर्किट लिमिट रिवाइज की गई है तीन सौ थर्टी वन थ्री हंड्रेड थर्टी वन ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि अपनी सर्किट लिमिट को फाइव परसेंट से बढ़ा करके टेन परसेंट किया गया काफ़ी सारे लोग खुश हो रहे थे कि सर ये पाँच से दस परसेंट बढ़ गया अरे वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बढ़ाए गए हैं है ना सब्सिक्वेंटली दस से बीस परसेंट बढ़ा गया तो ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि सर्किट लिमिट बढ़ाया गया है अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि पाँच से दस दस से नो दस से बीस परसेंट की जो सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है ये सिर्फ हमेशा ऊपर की साइड पे नहीं होगा ये स्टॉक जब गिरेंगे तो भी बीस बीस परसेंट दस दस परसेंट पाँच पाँच परसेंट गिरेंगे बस समझ में आ रही है नहीं आ रही है सो so, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है तो दिस ऑलवेज नॉट ऑलवेज़ पॉजिटिव ओनली इसके अलावा प्रस्टीज ने दोस्तों ट्वेंटी वन एकड़ लैंड बाय किया है इन वाइट फील्ड बेंगलुरु जो कि एक डेवलपिंग लोकेशन है लेकिन वहाँ थोड़े पानी की प्रॉब्लम ज्यादा है बट ठीक है ख़रीदा है उन्होंने फोर हंड्रेड फिफ्टी करोड़ का काफ़ी प्रीमियम लैंड बोला जा रहा है मुझे देखना पड़ेगा जा करके कि कहाँ पर उन्होंने लिया है बट ट्वेंटी वन एकड़ फ्रेश लैंड लिया है वैसे ये प्रेस्टीज के पास बेंगलुरु में जो सबसे प्रीमियम लैंड्स हैं वो प्रेस्टीज के पास ही हैं बट एन ए इसके अलावा राशि पेरीफरेल को वन फाइव वन वन करोड़ का फ्रेश नया ऑर्डर मिला है सो कैन कीप एन आए ऑन राशि फेरे फरल एज वेल इंडेड बैंक का एडवांस एटीन परसेंट ऊपर हुए है, है। हैं डिपॉजिट्स तो पिछले साल के कंपेरिजन में फोर्टीन परसेंट बढ़े हैं बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो एसेट एडर मैनेजमेंट पिछले साल के कंपेरिजन में थर्टी फोर परसेंट जंप कर चुका है एडवान्स पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में ईयरली नहीं है ये दोस्तों नंबर पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में फोर परसेंट बढ़े हैं तो ये दोस्तों ये पॉजिटिव न्यूज है और मैंने आपको तो तीन चार दिन पहले बोला था कि बैंकिंग स्टॉक्स एन बी एफ सी स्टॉक्स पर नजर रखी क्योंकि उनके क्वार्टर के अपडेट आएंगे रोजी क्वार्टर अपडेट आएंगे क्योंकि अल्टीमेटली इनके क्वार्टर

बट एटलीस्ट uh, मैं तो इसे आउट हूँ फिलहाल क्रूड के बारे में बात करें डॉलर नाइन्टी वन पर बैरल कैसा पहुँच गया है गोल्ड सत्तर हज़ार रुपये ट्रेड कर रहा है सिप्ला में नेगेटिव न्यूज़ है सिप्ला में नेगेटिव न्यूज़ ये है कि उसको छः ऑब्जेक्शन्स मिले हैं यू एस के इन पताल गंगा फैसिलिटी पताल गंगा महाराष्ट्र में है दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो एन आई एस एम की बिल्डिंग भी वहीं पर ही है सो एनी वे हैव गॉट दिस सिक्स ऑब्जेक्शन्स और बनाओ नेगेटिव uh, न्यूज़ है भाई यू you नो know, अगर अपनी फैसिलिटी अपने uh, अपने एस ओ पीज़ को अगर आप अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएंगी आएंगी सिप्ला जैसी कंपनी को भी छः छः ऑब्जेक्शन मिलना इस वेरी नेगेटिव न्यूज़ इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन करें सर्च करें वेल्थ सगा ओरिजिनल यू विल बी एबल टू फाइंड आर टेलीग्राम चैनल जहाँ पर हम लोग ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं अपने uh, अपने अपने व्यूज़ को भी वहाँ पर आपके साथ रखते हैं बट अगेन प्लीज़ डिस्कस योर विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक ओके फोकस करिए स्टॉक लाइक नेस्लेवे कि उसमें जिसमें कि 2015 का केस इन्होंने जीता है उनके फेवर में आया है गोल्ड स्टॉक्स पर नजर रखिए आई टी स्टॉक्स पर नजर रखिए हीरो मोटर कॉप पर नजर रखिए क्योंकि इनको एक बड़ी टैक्स डिमांड आई है नेस्ले ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बजाज फाइनेंस पर नजर रख सकते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन आर प्राइवेट ग्रुप लेंगे इन डिस्क्रिप्शन दोस्तों ज्वाइन करने के बाद जब कभी भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें थोड़ा सा समय दिया करिए पैनिक मत हुआ करिए अंटिल अटल बाय बय नाउ